जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा रविवार को फलोदी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने देव दर्शन करने के साथ लोहावट तथा फलोदी में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकें भी की। उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मत व समर्थन मांगा। फलोदी में शहर के आस्था स्थल मां लटियाल मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने चुनाव प्रचार शंखवाद किया। बैठक में अपने संबोधन में करण सिंह उचियारड़ा ने कहा कि वर्तमान में जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने 10 वर्षों में सांसद कोटे से मिली राशि में से 40% को तो लेप्स ही करवा दिया। उन्होंने जल शक्ति मंत्री रहते हुए भी जोधपुर में कोई अच्छा काम नहीं किया। उचियारड़ा में उनको मीठी मासी, सेल्फी किंग और जनता के हितों के प्रति लापरवाह सांसद बताते हुए कहा कि वे महरौली सीकर से आए हैं और मैं आपके जोधपुर का बेटा हूं। इसलिए बाहरी को छोड़ो और अपने को वोट देकर विजयी बनाओ ताकि आपकी समस्याओं का मैं निवारण करवाऊं। बैठक को विधानसभा चुनाव 2023 प्रत्याशी प्रकाश छंगाणी, नगर परिषद सभापति पन्नालाल व्यास, उप सभापति सलीम नागौरी, फलोदी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इलमदीन, कासम खान, मानक मेघवाल, रेशमा राम, कैलाश कीचड़, कुंभ सिंह पातावत, लोहावट के पूर्व विधायक कृष्णाराम विश्नोई, भोपालगढ़ विधायक गीता बरबड़, पूर्व विधायक मलखान सिंह, पूर्व पालिकाध्यक्ष अगरचंद भाटी, पार्षद अशोक व्यास आदि ने संबोधित किया। पार्टी विकास के नाम पर लोग मांगते हैं, ये हमारा आदमी मुद्दा विकास का है। हम वर्तमान सांसद महोदय जो 10 साल से सांसद है हमारे जोधपुर जिले के, उनसे हमारा क्वेश्चन है कि आपने 10 साल में क्या क्या काम किया है। मैं करीब 8 विधानसभाओं की मीटिंगें ले चुका हूँ कांग्रेस पार्टी की, उसमें मैंने सभी सरपंचों को, आए हुए सभी पंचायत समिति सदस्यों को, जिला परिषद सदस्यों को पूछा है कि सांसद महोदय के द्वारा कितने रुपये का काम हुआ है। 8 विधानसभाओं में 0 काम हुआ है। 2 बच्ची है सीएपेट और पोकर, वो कल की बात है। जो सांसद 8 विधानसभाओं में या 8 साल 10 साल 0 विकास कार्य कराता हो उसको सांसद रहने का अधिकार है। दूसरी बात यह है कि वो सांसद महोदय वर्तमान सांसद महोदय, अभी ये मैं सुन रहा था इसमें कह रहे थे कि ये चुनाव करण सिंह और गजेंद्र सिंह के बीच का नहीं। मेरा क्वेश्चन आपसे है, किसी बेटी की एंगेजमेंट करने जाते हो तो सुश्रुज को देख के बेटी देते हो या बिंद को देखते देते बिंदराज को देखते हैं? तो मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं है, अल्टीमेटली गजेंद्र सिंह वर्सेस करण सिंह ये चुनाव था भाई। आप अपनी बेटी को ब्याहोगे, बिंदराज को ब्याहोगे, ससुर जी को थोड़ी ब्याहनी है। तो ससुर जी के नाम पे वोट मांगा, ससुर जी अच्छे हो सकते हैं, कुछ और बड़ी बढ़िया काम करने वाले हो सकते हैं। बेटा में कहीं जमाइसा में कहीं लखन है, आप पूछो ना तो बेटी दे आदमी। तो चुनाव निश्चित रूप से करण सिंह वर्सेज गजेंद्र सिंह का है। और मेरा एक, मैं कांग्रेस कैंडिडेट को पूछ रहा हूं उनको आपके माध्यम से, आपने 10 साल में क्या किया ये तो बताइए। आपने एक काम किया है जोधपुर में, जोधपुर की जो हमारी हाई कोर्ट की बेंच है उसको आपने कम करके और आपने बीकानेर में शिफ्ट करवा दिया है। रेलवे में आपका काम 0, एयरपोर्ट में आपका काम 0, किसी तरह की सेंट्रल कोई तरह की स्कीम नहीं, कोई इनिशिएटिव में कोई काम नहीं, 100 रुपए का बजट नहीं। हाँ, आपने 2 बार उद्घाटन किए हैं एक चीज की, आज से 2.5 साल पहले इन्होंने जोधपुर में एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था, कि दिल्ली से लेकर पोखरण तक इन्होंने होर्डिंग लगाए थे, ढोल बजाए थे, थालियां बजाई थी और माला पहनी थी। अभी इन्होंने 15 दिन पहले, 1.5 महीना पहले वापस बुला के ढोल थालियां बजाए। आप पूछो तो सही के साथ, उस समय आपने कहा कि था ढोल थालियां बजाई थी। अभी इन्होंने परसों के दिन जोजरी नदी के रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट के लिए किया है। अरे भाई, आप परसों किया है 4 बजे 5 बजे और कल 3 बजे आचार संहिता लगी, ऐसा क्या काम है जो आप 10 साल में कर नहीं सको और एट मोमेंट पे आप काम करने जाएंगे? ये सिर्फ मुद्दा पटकाने की बात करते हैं और इनका कोई लड़न काम, इनके काम करना इनका मकसद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद ही मुद्दा पटका के, जैसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि करण सिंह वर्सेज गजेंद्र सिंह का चुनाव नहीं है, क्यों नहीं है भाई? जो क्यों नहीं है, काम तो अल्टीमेट हमको करना है। हम अगर यहाँ के प्रतिनिधि बन, आप कितनी बार लोकसभा में जोधपुर के बारे में बोले, आप कितनी बार लोकसभा में बोले कि यार ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, आप कितनी बार लोकसभा में बोले कि एयरपोर्ट बढ़ना चाहिए, आपने कितनी बार लोकसभा में बोले कि हमारी जोधपुर नदी को प्रॉपर करो, आप कितनी बार बोले
कि और भी रेल की रेल यात्राओं से फड़ौदी को जोड़ा जाए, आप कितनी बार बोले? जब आप कुछ बोलते ही नहीं हो, करते ही नहीं हो, तो मेरे को अगर आप लोग भारत पर जनता मुक्का देगी तो मैं मोदी जी को याद कर लूंगा। तो मोदी जी आपने कहा था 15-15 लाख रुपए अभी आए नहीं। मोदी जी आपने कहा था 2 करोड़ रुपए की नौकरियां दूंगा, नौकरियां दे दी। मोदी जी आपने कहा था पेट्रोल डीजल और सस्ते करूंगा, अब करने थे 40 रुपए कर दिए 2 रुपए। तो मैं कम से कम जनप्रतिनिधि रूप में इस जोधपुर जनता की आवाज बन के वहां जाके उनकी बात याद दिलाऊंगा। मेरा कहने का मकसद ये है, लोकसभा के अंदर ये 400-400 सीटें की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप लोग जो मीडिया वाले बंधु हो वो भी पेपर उठा के देख लो, जिस समय SBI को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मुद्दा बड़ा कौन सा है, SBI ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई साहब SBI को डांट लगाता है 20 जून को नहीं कल शाम 5 बजे तक लाके हमको दीजिए पूरी लिस्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड की। उधर से CA का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है, मैं टीवी मैंने सब देखा है और मैंने रिकॉर्डिंग किया है, मैंने सब टीवी देखा, 99% टीवी में नीचे पट्टी चल रही थी SBI को ये आदेश दिए सुप्रीम कोर्ट, और पूरा टीवी चैनल भरावा टीवी हुआ आ रहा था CAC। हम बोले क्या चिल्ला में तो करें क्या, आपने इतना उनके दबाव में काम कर रहे हो कि हमारी हिम्मत को आप दबा रहे हो। हम तो कांग्रेस हैं कि जनता को जिंदा रखने के चक्कर में आप भी जूझ रहे हैं, आपने साथ नहीं दिया हम भी थोड़ी देर साथ छोड़ देंगे, हम कब तक अकेले लड़ेंगे भाई। आप जनता को साथ देना पड़ेगा और जनता के साथ के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, तभी इन राक्षसों को हमारा पाएंगे। फड़ौदी की जनता को क्या मैसेज देंगे अगले चुनाव के लिए? मेरी फड़ौदी की जनता से मैंने पहले भी कहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है। हमने आगे भी कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है, हम जो काम पानी की बड़ी समस्या है, सब जहाँ जाते हो पानी की समस्या सामने आती है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा लोकसभा में के द्वारा यहाँ विकास के कार्यों की मैं गंगा बहूंगा, उनकी मेहनत की कोई तरह की कमी रहने नहीं दूंगा। मेरा मेन मकसद पॉलिटिक्स में आकर के करने का जरूरी सरकार से काम कराएगा। मैं ऑलरेडी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 25 साल से एक्टिव हूँ, मैं जनता का मदद लेकर के और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन की मदद लेके मैं सोशल काम जो यहाँ पे नहीं हो पा रहे प्रॉपर वे, जनता सरकार और मेरे को मिलके हम लोग एक अच्छा सा मिश्रण के रूप में ऐसा काम करेंगे हम राजनीति की दिशा चेंज करके बताएंगे एक राजनेता ऐसे भी काम कर सकता है। अब मोदी की काट की रणनीति तो ऑलरेडी राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, पहले 13,000 किलोमीटर चल लिए, पेपर वाले छापते नहीं, टीवी वाले लिखते नहीं, ये वाले उल्टा सीधे लिख करके कर देते हैं, है ना, टीवी वाले उनको खारिज कर देते हैं सदस्यता, तो टीवी वाले बोलते नहीं है, 140 सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी तो देश को कोई बोलने वाला नहीं है, तो हमारे पास क्या है, हम सड़क पे निकल पड़े जनता के बीच में। तो अब हम तो हमारे हिसाब सड़क के बाद अब गाड़ियों में निकल पड़े, हम पैदल फिर के रो रो के चिल्ला चिल्ला के जनता को कह ही सकते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, बचा लो अब।